तो गाइस, जब आप फ्लिपकार्ट पर किसी ऑर्डर करने चाहते हो तो आपका सामने इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो वो मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपका फोन में जो प्ले स्टोर है तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको आपका जो प्रोफाइल आइकन है तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको इस सेटिंग्स पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस पर आपको जाना है, उसके बाद ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एक्स मी एवरी टाइम इसको सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स पर आपको जाना है, फिर आपको यहाँ पे डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको बैक आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में आके आपको फ्लिपकार्ट को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद अगर आपको यहाँ पे अपडेट शो होगा तो आपको इसको अपडेट करना है। रुको, तो अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल में अभी इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाओ और एक अच्छे से कमेंट कर दो। तो फिर आपको यहाँ से ट्रैक आना है, और आपका फोन में सेटिंग्स पर आपको जाना है, और सेटिंग्स पर जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आपको जाना है, फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पर जाना है, फिर आपको एडवांस पर आपको आना है, फिर आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना है, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर आपको रिसेट टू डिफॉल्ट इस पर क्लिक करना है, फिर आपका जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होगा। तो फिर आपको बैक आना है, और आपका फ़ोन में होम स्क्रीन पर आना है, यानी कि जहाँ पे आपका सारे एप्लीकेशन रहती है। तो फिर आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को थोड़ा देर क्लिक करके रखना है, फिर आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको ऑफर में कौन एक आई का ऑप्शन है तो उस आई पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड कैच पर जाना है, फिर क्लियर कैच पर करना है, उसके बाद क्लियर स्टोरेज करना है, फिर ओके करना है, और एक करने के बाद बैक आना है। फिर आपको यहाँ पे परमिशन में जाना है, और आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है आपको सारे को अलाउ करना है, और अलाउ करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू।